हेलो दोस्तों, आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामाशीष यादव। आज हम लोग का विषय है भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी सीमा रेखाएं। दोस्तों, भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, जिसे भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके तीन तरफ जल का विस्तार है, जबकि उत्तरी हिस्से में स्थलीय सीमा का विस्तार है। इन स्थलीय सीमाओं में कुछ राजनीतिक इकाइयां हैं। उन राजनीतिक इकाइयों में कुछ प्रमुख देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश के साथ मिलती रहती हैं। उन देशों की यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्रारंभ में हमारे देश के साथ चीन की सीमा, उसके बाद चीन के बाद जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा नेपाल एवं भूटान और अंत में म्यांमार की भी सीमा लगती है। बांग्लादेश भी भारत के साथ सीमा बनाने का काम करता है। यदि इन देशों को यदि हम देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान ऊपरी हिस्से में चीन तथा चीन के जस्ट नीचे नेपाल नेपाल भूटान पूर्वी हिस्से में म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा लगती है। इन देशों में यदि देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इन देश की सीमाओं को देखें हम तो यहाँ पे देखते हैं क्रम से इनको लिखा जाएगा। सर्वाधिक सीमा किसके साथ है, दूसरे नंबर पे किसके साथ है, तीसरे नंबर पे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें नंबर पे इन देशों को देखते हैं। प्रथम स्थान बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे पाकिस्तान, चौथे स्थान पे नेपाल, उसके बाद म्यांमार के बाद भूटान और अंत में सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। इन सीमा रेखाओं की लंबाई को यदि हम देखें तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा लगती है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर तथा अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। इन देशों की सीमाओं में यदि देखा जाए तो भारत का कुल स्थलीय सीमा, भारत का यहाँ पे लिखता हूँ, भारत का कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर के आसपास आता है। ठीक है, इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद रहता है, जिसका कारण यह है
कि जब भारतीय स्थलीय सीमा रेखाओं का मापन पर्वतों को लेकर के किया जाता है तो इसकी सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर, लेकिन जब सामान्य तौर पर मापा जाता है तो यह सीमा रेखा 15,106 किलोमीटर के आसपास आती है, 15,106 किलोमीटर के आसपास आती है। यही अंतर है कि कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर तथा कहीं कहीं 15,106 किलोमीटर सीमा निर्धारित की जाती है। अब यदि इन पड़ोसी देशों को देखें तो इन पड़ोसी देशों के साथ साथ राजधानियां भी देख लेते हैं, जैसे चीन की राजधानी बीजिंग, बीजिंग, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल, म्यांमार की राजधानी, अरे सॉरी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू, भूटान की राजधानी थिम्पू तथा म्यांमार की राजधानी नेपियाड, म्यांमार की राजधानी नेपियाड है, नेपियाड है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि भारत की कुल सीमा रेखाओं में यदि राज्यों के कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो भारत के कुल 16 राज्य तथा दो केंद्र शासित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आगे दूसरी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, उस वीडियो में इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास में दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज़ तो यह है कि भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान द्वारा ज़बरदस्ती अपने हिस्से में दिखाया जाता है, जिसको LOC अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल, तथा दूसरा जो हिस्सा है उसको LAC अर्थात लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं, कंट्रोल के नाम से जानते हैं। इन दोनों LAC तथा LOC को देखा जाए, जिसमें LAC जो है यह चीन के साथ है, जबकि LOC की यदि हम बात करते हैं तो यह पाकिस्तान के साथ है। इसको यहाँ पे पाक ने ज़बरदस्ती अपने मैप में दिखाता है, जबकि LAC को चीन अपने मैप में दिखाता है। हालांकि इस चीज़ को भारत नकारता है, भारत इसको स्वीकार नहीं करता है, और इसी को लेकर के अक्सर भारत और चीन तथा भारत और पाकिस्तान के मध्य गर्माहट की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।